दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं की भूख हड़ताल जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के 40 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने भी सामूहिक उपवास रखा है। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास में दिल्ली के कई मंत्री और विधायक शामिल हैं। उपवास में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी उपवास के बहाने राजनीति के अवसर को तलाश रही है। वैसे किसानों को पहले से ही विपक्ष का समर्थन है। उधर बड़ी खबर यह कि किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से हरकत में है और राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार खुले मन से वार्ता को तैयार भी है। अमित शाह से मंथन के बाद कृषि भवन पहुंचे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बातचीत के लिए तमाम कोशिशें किसानों के साथ जारी हैं जिसके जरिए उनकी समझाइश की जा सके। और वहीं राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी तरीके से सरकार संजीदा है और खुले मन से वार्ता करने के लिए किसानों के साथ तैयार है। अमित शाह से मंथन के बाद कृषि भवन नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं जो हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे डेप्यूटी एडिटर शादाब सिद्दीकी जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शादाब जी, क्योंकि कोशिशें लगातार जारी हैं, अब लेटेस्ट अपडेट जिस तरीके से मिल रही है कि खुद राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरे मसले पर किसानों के साथ बातचीत करें, अभी क्या कोशिश होती हुई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए कई मोर्चे पर कोशिशें जारी हैं। राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बात कर रहे हैं और अमित शाह खुद भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन देखिए अभी बात बनती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज सुबह जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद वो विज्ञान भवन पहुंचे थे। लेकिन जो किसान संगठन है उन्होंने बहुत साफ कह दिया है कि जब तक ये जो पूरा बिल है ये विड्रॉ नहीं होता है तब तक उनका जो आंदोलन है खत्म नहीं होगा। आपको याद होगा कि जो किसान नेता अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, आज वो सभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और शाम को 5 बजे तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी और उनका ये कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, सरकार कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती है। सरकार ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया है कि उनके जो मुद्दे हैं जैसे MSP का मामला है या मंडी का मामला है या जो बिचौलियों का मामला है या जो कॉरपोरेट सेक्टर का हस्तक्षेप है, इन सभी मुद्दों पर वो बीच का रास्ता निकाल देगी। लेकिन किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो बिना बिल विड्रॉ किए हुए यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए, जो स्थिति है जो बॉर्डर है वहां पे और खराब हो गई है, खासतौर पर जो सिंधु बॉर्डर है वहां पे बड़ी संख्या में किसान कल शाम को और पहुंच गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 8 से 9 किलोमीटर के पूरे इलाके में किसान बैठे हुए हैं। सरकार के लिए राहत की खबर सिर्फ चिल्ला बॉर्डर से आई है क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पे सरकार ने वहां पे जो रास्ता है वो खाली करा लिया है। राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद वहां से किसान हट गए थे, तो चिल्ला बॉर्डर तो खुल गया। लेकिन जो बाकी बॉर्डर है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, वहां पे किसान जमे हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और आज ये जो भूख हड़ताल है वो शाम तक जारी रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम है, फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। आशीष शादाब जी, हम ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं उसमें किसानों की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से बिल को वापस लीजिए, सरकार इसमें लगातार यही मौका तलाश रही है कि आखिर वो बीच का रास्ता किस तरीके से अख्तियार करे जिसके बाद ये रास्ता निकले। अब इसमें किसान जिस मसले को लेकर अड़े हुए हैं उसे पूरा कर पाना सरकार के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है? देखिए, सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि वो बिल विड्रॉ नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने घुमा फिरा कर ये बात कह दी है कि बिल विड्रॉ नहीं होगा। सरकार ये कह रही है कि जो किसानों की आपत्तियां हैं उनको वो एड्रेस करने को तैयार हैं, वो लिख के देने को तैयार हैं या उस पर संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि आप इन तीनों बिलों को विड्रॉ कीजिए। तो अब उसमें ऐसा लगता है कि ये मामला या तो दोनों पक्ष में कोई एक पक्ष झुके, या तो किसान संगठन झुकेंगे तो हल होगा या सरकार झुकेगी। दूसरी बात यह है आशीष की, देखिए ये पूरा मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। आज आपने देखा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम पंजाब के सांसद हैं वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आता है। तो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल, वो भी इस पूरे मामले में अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो भी इस पूरे मामले में किसान संगठनों के साथ हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि ये राजनीतिक दलों ने भी इसकी कमान पीछे से थाम रखी।
रखी है। सरकार के लिए मुश्किल है क्योंकि सरकार को लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है किसानों का, वो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, तो किसी तरीके से सरकार इसको हल कराना चाहती है, लेकिन फिलहाल जो अभी के हालात है उसमें तो कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है आशीष। अगर इसके रोड मैप की बात करें किसानों के लिहाज से, क्योंकि लगातार नई नई रणनीति अपनाई जा रही है, किसानों की तरफ से भी हम रोज चेंजेस देख रहे हैं, मसलन आज उपवास का जो है टैक्टिक अपनाई गई है किसानों की तरफ से, इसमें कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ क्या सरकार के पास आखिर अब इसका क्या रोड मैप है कि आखिर कैसे इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा? फिर देखिए सरकार का रोड मैप बहुत साफ था कि सरकार ने देखिए 6 राउंड की बातचीत की है, लेकिन ये 6 राउंड की बातचीत फेल हो गई है। सरकार देखिए अब हो सकता है कि किसी नए प्रपोजल के साथ सामने आए, लेकिन वो प्रपोजल क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आज सुबह जो कृषि मंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है उसके बाद से कृषि मंत्री का कोई बयान तो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो ये है कि किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो दोनों विड्रॉ करिए, उससे कम पर वो समझौता नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बिल की तमाम बातें गिनाई थी और इस बिल को किसानों के पक्ष में बताया था। तो कुल मिलाकर जो डेडलॉक है वो डेडलॉक बना हुआ है और वो उसका रास्ता फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा है आशीष। बिल्कुल, यानी कि जो डेडलॉक है उसका टूटना ज्यादा जरूरी है और बातचीत के लिए हर कवायद यहां पर जारी है। बहुत शुक्रिया आशा साहब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए, और कोशिशें जो है वो सरकार हर संभव अपनी तरफ से किसानों को बनाने के लिए कर रही है।